हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी मिठाई की रेसिपी, जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और खाने में तो टेस्टी है ही। तो चलिए बनाते हैं स्वीट कलश। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच घी गरम करें। अब इसमें 1 कप दूध डालें। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है। अब इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डालें। अच्छे से मिक्स करें। जब पाउडर शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें 1 पिंच येलो फूड कलर डालें। इससे हमारी मिठाई को एक बढ़िया सा कलर मिलेगा। अब गैस धीमी करें और इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालें। मिल्क पाउडर को हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है ताकि मिश्रण की गुठलियाँ ना बने। मिल्क पाउडर डालते ही मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि हमारा मिश्रण पैन की तली पर ना चिपके। तीन से चार मिनट में ही मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि हमारा मिश्रण ना जले। ये देखिए, मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इसने पैन की तली को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब गैस बंद करें और मिश्रण को 1 प्लेट में डालकर अच्छे से ठंडा कर लें। ये देखिए, हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हाथों पर हल्का सा घी लगाएं और मिश्रण को अच्छे से चिकना कर लें। अब मिश्रण को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उनसे बॉल बना लें। अब एक बोल लें और उसे कलश की शेप दें। ये देखिए कितना सुंदर कलश बना है। इसी तरह सारे कलश रेडी करें। ये देखिए, हमारे सारे कलश रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। अब इसको कलश पर ऐसे लगाएं जैसे कलावा बांधते हैं। इससे हमारे कलश और भी खूबसूरत लगेंगे। अब तैयार कलश के बीच में बादाम रखें, जैसे नारियल रखते हैं। यहाँ मैंने लंबाई में कटा हुआ पिस्ता लिया है। इसको कलश पे ऐसे रखेंगे जैसे आम की पत्तियाँ रखते हैं। और लीजिए, हमारे खूबसूरत से स्वीट कलश रेडी हो चुके हैं। ये देखने में जितने सुंदर हैं, खाने में उतने ही टेस्टी।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।